टीम इंडिया ने उमरान मलिक को आयरलैंड के खिलाफ डबलिन में खेले जाने वाले टी20 सीरीज के पहले मैच की प्लेइंग 11 में शामिल किया। उमरान ने अपना टी20 इंटरनेशनल डेब्यू किया। मध्य प्रदेश की टीम पहली बार रणजी ट्रॉफी चैंपियन बनी है। फाइनल में टीम ने 41 बार की चैंपियन मुंबई की टीम को 6 विकेट से शिकस्त दी। इस जीत के बाद मध्य प्रदेश ने 23 साल पुराने अपने जख्म को भर दिया है। 1998-99 के रणजी ट्रॉफी सीजन में मध्य प्रदेश की टीम फाइनल में पहुंची थी, लेकिन फाइनल में उसे कर्नाटक के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा था। रणजी ट्रॉफी के फाइनल मैच में मुंबई की टीम को मध्य प्रदेश के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा। हार के बाद मुंबई के कप्तान पृथ्वी शॉ ने कहा कि हर दिन आपका दिन नहीं हो सकता। एमपी के लोगों ने अच्छी बल्लेबाजी की और अच्छी गेंदबाजी की। हम इससे सीख सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। रणजी ट्रॉफी में मुंबई के बल्लेबाज सरफराज खान मुख्य आकर्षण का केंद्र रहे। सरफराज को प्लेयर ऑफ द सीरीज चुना गया। सरफराज ने कहा कि रणजी फाइनल में शतक बनाने के बाद भावुक हो गया मैं, और मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। भारत और लेसिस्टर शायर के बीच अभ्यास मैच लेसिस्टर में खेला जा रहा है। भारत ने पहली पारी में 8 विकेट पर 246 रन बनाए थे। इसके बाद लेसिस्टर शायर पहली पारी में 244 रन पर ढेर हो गई थी। भारत ने अपनी दूसरी पारी को 7 विकेट पर 364 रन के स्कोर पर घोषित कर दिया। टीम इंडिया और लेसिस्टर शायर के बीच लेसिस्टर में वार्म अप मैच खेला जा रहा। इसमें पूर्व कप्तान विराट कोहली ने दूसरी पारी में 98 गेंदों का सामना करते हुए 67 रन बनाए। कोहली ने वार्म अप मैच के लिए फैंस को शुक्रिया कहा। भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान रोहित शर्मा शनिवार को रैपिड एंटीजन टेस्ट में कोरोना संक्रमित पाए गए। इसकी जानकारी बीसीसीआई ने ट्विटर के जरिए दी। साथ ही बताया कि कप्तान रोहित शर्मा फिलहाल टीम होटल में आइसोलेशन में है और बीसीसीआई की मेडिकल टीम उनकी देखभाल कर रही है। पूर्व भारतीय क्रिकेटर संजय मांजरेकर ने दावा किया है कि दिनेश कार्तिक के पास ऑस्ट्रेलिया में आगामी टी20 विश्व कप के लिए भारतीय टीम का हिस्सा बनने का एक अच्छा मौका है। उन्होंने कहा कि कार्तिक टीम में लाने के लिए एक आकर्षक विकल्प है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात में भारत की पूर्व महिला क्रिकेट कप्तान मिताली राज का जिक्र किया। प्रधानमंत्री ने कहा, मिताली महज एक असाधारण खिलाड़ी नहीं रही है, बल्कि अनेक खिलाड़ियों के लिए प्रेरणा स्रोत भी रही है। इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के बीच लीड्स में 3 मैचों की टेस्ट सीरीज का आखिरी मुकाबला खेला जा रहा है। इंग्लैंड की टीम फिलहाल सीरीज में 2-0 की अजेय बढ़त ले चुकी है और कीवी टीम सम्मान बचाने के लिए मैदान पर उतरी है। हालांकि इंग्लैंड को रविवार को टेस्ट मैच के चौथे दिन बड़ा झटका लगा। टीम के विकेटकीपर बल्लेबाज बेन फोक्स कोरोना संक्रमित पाए गए। पकड़ो कैच, जीतो मैच, ये तो हर कोई जानता है, लेकिन क्रिकेट की हर खबर हम आपको बताते हैं। इंडिया टीवी क्रिकेट यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और जुड़े रहें इंडिया टीवी क्रिकेट यूट्यूब चैनल के साथ। ब्यूटीफुली प्ले।